Hello everyone, welcome to PYQ series. So today we will discuss 2021 रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन का टॉपिक। टोटल फोर क्वेश्चन है, सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विदाउट डिले। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है एंड गाइज वन रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक माई सॉल्यूशन देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। आई वॉन्ट कि मैक्सिमम लोगों तक रीच पहुंचे मेरा एफर्ट। सो रीड करते हैं। ए बी सी ज्वाइंटली इन्वेस्ट इन अ बिजनेस एंड एग्री टू शेयर द ओवरऑल प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट। वेरी इजी। अनिल अ शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70%, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेज बाई 420। ओके, इफ द ओवरऑल प्रॉफिट गोज डाउन फ्रॉम 18% टू 15%। ओके, चिंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज बाई 80 इफ ओवरऑल प्रॉफिट गोज अप फ्रॉम 15% टू 17%। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई बॉबी, बॉबी का अमाउंट इन्वेस्टेड हमको फाइंड आउट करना है। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन। अभी वी डोंट नो एक्चुअली द कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुआ है तीनों के बीच में, ए बी सी के बीच में। एंड द थिंग्स नो ओनली की अनिल ने 70% का इन्वेस्टमेंट किया है, बस इस यही पता है। और ए बी सी ज्वाइंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वी डोंट नो। सो लेट सपोज दैट कि वो लोग 100x अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। ए बी सी 70% का इन्वेस्टमेंट है अनिल का, सो इनका इसका इन्वेस्टमेंट हो गया 70x। सॉरी सॉरी। अब वी डोंट नो कितना परसेंटेज बी ने किया और कितना परसेंटेज सी ने किया। सो लेट्स एज्यूम दैट कि सी ने 5% इन्वेस्टमेंट किया। सो अब बी कितना करेगा, 30 माइनस y, 70% ए किया, बी ने वाई किया, तो सी कितना करेगा, 30 माइनस y। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो क्या है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेज बाई 420 इफ ओवरऑल प्रॉफिट गोज डाउन फ्रॉम 18% टू 15%। इट मीन्स कि अगर 15 का प्रॉफिट होता है तो जो अनिल का शेयर है उसमें 420 का डिक्रीमेंट होता है। तो इसको इक्वेशन फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। सो अब देखो, मान लो नहीं कि 18% का प्रॉफिट होता है, सो 100x का 18%, 18x इसमें ए का शेयर कितना होगा, 70%, 70% माइनस 15% प्रॉफिट, 15x इसमें 70% ए का शेयर, इसका जो डिफरेंस है वो 420 है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 18% प्रॉफिट 18x, 15% प्रॉफिट 15x, तो दोनों का जो डिफरेंस है अनिल का शेयर में उसी का तो डिफरेंस 420 है। तो यहाँ पे हम 7/10 कॉमन ले सकते हैं। 18x माइनस 15x इक्वल टू 3x इक्वल टू 420, 60, 20, सो वी गॉट x इक्वल टू 200। सो वी गॉट वैल्यू ऑफ x 200। इट मीन्स हम लोग को इन्वेस्टमेंट पता चल गया, 20,000 का इन्वेस्टमेंट है टोटल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, वेरी बेसिक थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। चिंटू का शेयर इंक्रीज हो रहा है 80 से जब उसका प्रॉफिट 15 से 17 हो रहा है। अब देखो 15% का प्रॉफिट इस पे 20,000 पे कितना होगा, 15 30 30 3,000 ना, सॉरी 15 30 1 2, हाँ 30 3,000। 17% का प्रॉफिट 3,400, इतना प्रॉफिट हुआ 15% और 17% और 15%, इसमें वाई का शेयर कितना होगा, वाई बाई 10, वाई परसेंट मतलब वाई बाई 100, इसमें वाई बाई 100, इसका जो डिफरेंस है वो 80 है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कुछ नहीं, बस ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। सो वाई बाई 100 इंटू 400, 85 जा 85 जा 400 एंड दिस इज
20, so we got y equal to 20. So y का परसेंटेज जो c का इन्वेस्टमेंट है वो 20% है. वन सेकेंड, ए का बी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 10%. 70%, 20%, 90 और 10, 100. सो वी हैव टू फाइंड बॉबी का इन्वेस्टमेंट. सो 20%, 10% ऑफ 20,000 इज 2,000. 2,000 इज द आंसर. सो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, इजी क्वेश्चन. बस दोनों स्टेटमेंट को इक्वेशन के टर्म में हमको डिनोट करना था और यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस ही ये 420 है और इन दोनों का डिफरेंस 80 है. मैं ये चीजें नहीं भी लिखता, मतलब ये डायरेक्ट मैं डिफरेंस पे भी कर सकता था. यहाँ इसका दोनों का डिफरेंस आया 420, तो यहाँ 3x इक्वल टू 420 और इसका प्रॉफिट 7/10 हो गया. सो यहाँ डायरेक्ट मतलब ऐसे लिख सकता था कि डिफरेंस 3x और परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, 70/100 इक्वल टू 420. सो यहाँ से मैं क्रॉस करके x का वैल्यू 200 आ जाता. ऐसे भी मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए ये स्टेप मैंने किया. ये स्टेप की जरूरत नहीं थी वैसे. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे. ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, रीड करते हैं. अ पर्सन बाइज टी ऑफ थ्री डिफरेंट क्वालिटीज एट 800, 500 एंड 300 पर केजी रिस्पेक्टिवली. ओके, एंड द अमाउंट्स बॉट आर इन प्रोपोर्शन टू 3, 5. ओके, 2:3:5. सी मिक्सेस ऑल द टी एंड सेल 1/6. 1/6 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो मैं 6 का मल्टीपल लेने का ट्राई करूंगा क्योंकि फ्रैक्शन में ना आए. एट मिक्सचर 700 पर केजी, द प्राइस इन इंडियन रुपीज पर केजी एट विच सी शुड सेल द रिमेनिंग टी टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 50%. सो 50% का प्रॉफिट करना है, ओवरऑल प्रॉफिट. वेरी नॉट अ वेरी डिफिकल्ट मीडियम. तीन कैटेगरी का कॉस्ट मुझे पता है और उसका प्रोपोर्शन है 2:3:5. सो नाउ देखो, अब एक यहाँ पे अप्रोच ये समझ में आ रहा है कि हाँ इसको मैं मतलब कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर दूं, या फिर मैं इसको कोई वेरिएबल ही ना लू, अज्यूम कर लू कि हाँ मतलब जो 2:3:5 इसमें 6 का मल्टीपल ले लू और अज्यूम कर लू कि हाँ तीनों कैटेगोरी उतने केजी बाय किया है. मतलब जैसे थ्री वेराइटी है ना, थ्री वेराइटी. सो मान लो कि ये फर्स्ट वाला 12 केजी लिया, सेकेंड वाला 18, थर्ड वाला 30. फर्स्ट वाला 12, सेकेंड वाला 18 और थर्ड वाला 30. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको लगेगा कि यार मतलब वेरिएबल तो नहीं लिया, सो क्या वैल्यू में डिफरेंस आएगा? सो वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा. और वो कैसे नहीं आएगा मैं आपको बताता हूँ. अब देखो इसका प्राइस 800, 500 और 300 है. सो इसका प्राइस 800, 500, 300 है. तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट अमाउंट 9600, 8590 और 9000. 9000 और 9600, 9300, 90. तो ओके, सो टोटल 27600. टोटल जो हुआ कॉस्ट अमाउंट वो इतना हो गया 27600. इतना पर्सन पे किया तीनों वेराइटी ऑफ टी के लिए. टी है ना, या टी. अब देखो क्या बोल रहा है कि सी मिक्सेस टी एंड 1/6 ऑफ मिक्सचर 700 पर केजी पे वो बेच दिया. सो टोटल मिक्सचर कितना हुआ, 30, 30, 60, 60. अब 1/6 इसमें 10 केजी, 10 केजी को वो 700 रेट पे ये सेल का है. सो टोटल हो गया 7000. 7000 अमाउंट उसको गेट हुआ 700 रुपीज बेचने पे. नाउ द प्राइस इन इंडियन रुपीज एट विच सी शुड सेल द रिमेनिंग टी टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 50%. दिस इज आवर टोटल कॉस्ट अमाउंट एंड वी हैव टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50%. 3/2, ये 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल सेलिंग अमाउंट वी विल नो. So selling amount is how much? So 13800. So
84 to 13, 39, 41, double zero. 414 double zero is total selling amount we need to make a profit of 50%. 700 we already got from 10 kg. So the remaining we need subtract 34,400. So we need 34,400 amount, 50 kg tea, and we have to find the selling price. सेलिंग सेलिंग कितने पे सेल्स करेगा यही तो हमको फाइंड आउट करना है. सो दिस वन कैंसिल आउट 648 48. सो वी गॉट द सेलिंग प्राइस इज 688, दैट इज ऑप्शन डी. इसका भी ऑप्शन डी है 688. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नॉट अ मीडियम कैटेगरी भी नहीं, इसको हम इजी बोल सकते हैं, कुछ नहीं था. अब देखो मैं बोला कि यहाँ पे मैं x क्यों नहीं लिया. अब मान लो कि यहाँ पे मैंने x ले लिया, ये क्या होता, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x आ जाता, ये भी x रहता, मतलब सारे टर्म में जहाँ पे x नहीं है वो x आ जाता, तो अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट ही होता. तो नो नीड टू बॉदर अबाउट द वेरिएबल. तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिया. जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आप उसको वेरिएबल मान लो, डायरेक्ट जो रेशियो दिया है उसी रेशियो में वेट ले लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आंसर सेम ही आने वाला है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, रीड करते हैं. अ टी शॉप ऑफर टी इन कप ऑफ थ्री डिफरेंट साइज. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इन इंडियन रुपीज ऑफ थ्री डिफरेंट साइज इक्वल टू 800. द प्राइस ऑफ स्मॉलेस्ट साइज एंड द मीडियम साइज आर इन द रेशियो ऑफ 2:5. ओके, if the shopkeeper or shop owner decided to increase the price of the smallest and medium one by 6 rupees and keeping the price of largest, keeping the price of largest price unchanged, okay, then the product then changed to 3200. The sum of original price of three different sizes Indian rupees. Okay, easy question, not a very difficult one. दो मुझे statement दिए हैं और यहाँ से एक equation आएगा और यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा जो प्रोडक्ट का है. दोनों से इक्वेशन मुझे मिलने वाला है प्रोडक्ट का और वहां से मैं सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा. सॉल्व करते हैं. अभी वी नो द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट साइज और मीडियम साइज का प्राइस का रेशियो 2:5. सो स्मॉलेस्ट मीडियम लार्ज, स्मॉलेस्ट का 2x ले लेते हैं, मीडियम का 5x लेते हैं और लार्जर का कुछ पता नहीं. सो लेट्स वाई. एंड We know the product of three different size का 800 है. So product 2, 5, 10 x square into y equal to 800. 1010 cancel out. So x square into 8 equal to 80. ये अपना one first equation आ गया. Second equation के लिए क्या है कि वो small और medium को 6 रुपए से इंक्रीज कर रहा है प्राइस को, तब जाके प्रोडक्ट 3200 हो रहा है. सो इंक्रीज कर दो यहाँ और यहाँ 6 का, 2x प्लस 6 इनटू 5x प्लस 6 इनटू y इक्वल टू 3200. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो 10x² प्लस 12x प्लस 30x प्लस 36 y का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू 80/x² 80/x² इक्वल टू 3200. एक टर्म में हम लेकर आ गए x के टर्म में सारे वैल्यू. सो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. सो दिस इज हाउ मच 80 ना, सॉरी 80. सो 80 फोर जा 10 से 10 40 जा ये 3200 कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे इस ऐड हो सकता है. सो 10x² प्लस 42x प्लस 36 इक्वल टू 40x² क्रॉस मल्टीप्लाई.
इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 30x स्क्वायर, 30x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 36 इक्वल टू 0, कुछ कॉमन हो सकता है, सो यहाँ पे 6 कॉमन हो सकता है, 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0, 7 5 30, 10 feet, ओके, 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, 5x कॉमन x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2 एंड -3/5। अब देखो वेट तो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, x इक्वल टू 2, तो वी गॉट x इक्वल टू 2 एंड वी हैव टू फाइंड सम, मतलब 5 प्लस 2 7x प्लस y वी हैव टू फाइंड, सो वी नीड y। पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू, सो 4 into y इक्वल टू 80, y इक्वल टू 20 एंड वी गॉट वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर, तो 7 to 14 एंड प्लस 20 दैट इज 34, 34 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट वन, बस दो इक्वेशन और उसको सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सो ये बेसिक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ थोड़ा सा स्टेप बढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में, लेकिन इसको हम इजी ही बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दिस क्वेश्चन यही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट, मतलब ये रिपीट हुआ है पास्ट 2021 के पास्ट में आया था, यस, सो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पास्ट 21 से पहले भी ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप क्वेश्चन आया हुआ है, सो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। वन पार्ट ऑफ होस्टल मंथली एक्सपेंस इज फिक्स्ड एंड द अदर पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स बोर्डर्स, द होस्टल कलेक्ट 1600 पर मंथ फ्रॉम ईच बोर्डर्स बोर्डर बोर्डर्स अरे यार सिट जो भी हो, व्हेन द नंबर ऑफ बोर्डर्स इज 50, द प्रॉफिट ऑफ होस्टल इज 200 पर बोर्डर्स, एंड व्हेन द नंबर ऑफ बोर्डर्स इज 75, द प्रॉफिट ऑफ होस्टल इज 250 पर बोर्डर, ओके, व्हेन द नंबर ऑफ बोर्डर इज 80, टोटल प्रॉफिट ऑफ द होस्टल इन इंडियन रुपीज विल बी। सो देखो यहाँ प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है कि हाँ 80 अगर बोर्डर्स रखेगा तो प्रॉफिट कितना होगा। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि जैसे 1600 वो फिक्स्ड कलेक्ट कर रहा है लेकिन प्रॉफिट वैरी हो रहा है उसका, जैसे 50 था तो इसका 200 पर बोर्डर्स आया, 75 बोर्डर्स था तो 250 पर बोर्डर्स का प्रॉफिट हुआ, एंड वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट, प्रॉफिट फाइंड करना है, सो प्रॉफिट के लिए क्या होगा, एक्सपेंस, जो एक्सपेंस है और मतलब जो कलेक्ट है कलेक्शन हुआ उसमें से एक्सपेंस घटा दिया सो प्रॉफिट आएगा, वेरी बेसिक, एक जितना कलेक्शन हुआ उसमें से एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया सो प्रॉफिट, सो कलेक्शन के लिए तो हमको पता है कि वो फिक्स 1600 ले रहा है, 1600 फिक्स ले रहा है कलेक्शन, एक्सपेंस पे चेंजेस हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, कि कितने पर्सन बॉर्डर कर रहे हैं बॉर्डर्स उस पे एक्सपेंस चेंज हो रहा है, सो वी हैव टू फाइंड एक्सपेंस, क्योंकि कलेक्शन हमको पता है ऑलरेडी पर पर पर्सन का कलेक्शन, वी हैव टू फाइंड एक्सपेंसेस, सो जो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे फॉर्म करेंगे वो एक्सपेंस में ही फॉर्म करेंगे, सो लेट्स एज्यूम दैट कि जो हॉस्टल का फिक्स्ड है वो एफ है एंड वेरिएबल वी वी मान लेते हैं। सो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, व्हेन द नंबर ऑफ बोर्डर इज 50 द प्रॉफिट ऑफ होस्टल इज 200, सो देखो ये हुआ फिक्स्ड प्लस 50 वी वेरिएबल, फिक्स्ड एक अमाउंट हुआ प्लस वेरिएबल जो है वो 50 का मल्टीपल होगा इक्वल टू 200
पर बोर्डर्स। अब देखो एक यहाँ पे प्रॉफिट 200 हो रहा है पर कलेक्शन तो 1600 है, 100 है पर, सो एक्सपेंस कितना हुआ 1400 का एक्सपेंस हुआ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 200 पर बॉर्डर का प्रॉफिट हो रहा है और कलेक्शन है 1600, सो एक्सपेंस उसमें 1400 हो गया। सो दिस इज 50 इंटू 1400, सो फिक्स्ड प्लस 50 वेरिएबल इक्वल टू 71 to 3, सो दिस इज इक्वेशन वन। सेकेंड इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ बॉर्डर 75 है, प्रॉफिट 250 हो जा रहा है, सो फिक्स प्लस 75 वेरिएबल इक्वल टू से पर बॉर्डर का एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 1600 माइनस 250, 1350 इंटू 75, सो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। 15 प्लस 75 फी इक्वल टू 135, 75, 25, 52, 75, 1, 5, 1, 6, 35, 5, 3, 21, 22, 23, 24, 4, 2, 7, 2, 9, 5, 2, 1, 6, 4, 1, 9, 10, 10, 1, 2, 5। एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से गाइस, 1 सेकेंड। 75 इंटू 1350, 101 25, अच्छा 0 यहाँ छूट गया, तो ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सो वी विल गेट एफ और वी का वैल्यू। एफ प्लस 50 वी इक्वल टू 70,000 एंड एफ प्लस 75 वी इक्वल टू 101 250, सब्ट्रैक्ट सो कैंसिल आउट, 25 वी इक्वल टू 3,1,250, दिस वन इज 1,01,250 और 70,000, सो 30,000 होगा, 30,125 टू 31,000, 31,125, सो वी इक्वल टू 31,250 डिवाइडेड बाई 25, 1,250। वी का वैल्यू जो वेरिएबल अमाउंट है वो 100,250 आ गया, तो फिक्स्ड कितना आएगा इसी इक्वेशन में पुट कर लो, 70,000 माइनस 50 वी, सो 125 इंटू 5 कितना हो गया, 5 और 625, 0, 0, सब्सट्रैक्ट करें इसको कितना आ गया, 7,500, 7,500, सो वी गॉट फिक्स का वैल्यू 7,500 और वेरिएबल का 1,250। तो नाउ वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट 80 का, सो 80 बॉर्डर्स का हम लोग एक्सपेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फिक्स कितना है, 7,500, 1 सेकेंड, फिक्स है जस्ट, फिक्स है 7,500 प्लस वेरिएबल है 1,250 to 80, तो मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हो गया 1 लाख, 1 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस वन इज 7,500, सो 107,500, इतना एक्सपेंस हो गया 80 बॉर्डर्स को रखने पे, इतना एक्सपेंस हो गया। एंड कलेक्शन कितना है, 18 इंटू 8, 1,28 एंड 0,0,0, कलेक्शन इतना है, सो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 1,28,00 माइनस 1,07,500, सो 94,000, 1,28,00 माइनस
10,750,500, दैट इज ऑप्शन सी ना, सी। ये दोनों का सब्सट्रैक्ट किया 20,500 आ गया, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, नॉट वेरी डिफिकल्ट वन, मीडियम कैटेगरी। बस इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है वो चीजें समझनी थी कि हाँ एक्सपेंस हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्शन वी ऑलरेडी नो क्या 1600 पर मंथ पर बॉर्डर है और 18 का है, सो कलेक्शन तो हमको पता है, जस्ट हमको एक्सपेंस फाइंड आउट करना है कि एक्सपेंस क्या होगा। सो एक्सपेंस पे हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। सो यहाँ से हम लोग एक्सपेंस जो एक्सपेंस है इसी पे तो इक्वेशन फॉर्म किया ना, सो हम लोग एक्सपेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर पाए यहाँ बॉर्डर 80 बॉर्डर का। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2022 के सॉल्यूशन के साथ, सेम टॉपिक 2022 का क्वेश्चन रहेगा उसमें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।